हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कुछ टॉपिक हो गया था। जो बचे हुए टॉपिक हैं वो हम आगे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? मेन जो इसके कीवर्ड्स हैं वो याद रखो कि ये कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो गया? कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। अब इसमें होता क्या क्या है? इसमें रेजिस्टेंस, मतलब जैसे बल्ब, फैन, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए, वायर, की, बैटरी, ये इसके मेन कंपोनेंट है। तो इन सब से मिलाकर के जो एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ मिलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसका कंप्लीट डेफिनेशन हम देखते हैं क्या होगा, वो यहाँ से देखो दिया हुआ है। अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्ट ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंस। अदर रेजिस्टेंस में क्या? इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमारे, ये सब इसमें आ गए। और क्या होता है? स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द सेल। तो सेल और बैटरी भी इसमें होगा। इन द इलेक्ट्रिक फ्लो इज कॉल्ड अ सर्किट। इसको हम क्या बोलेंगे? सर्किट बोलेंगे। तो यहां से ये डेफिनेशन याद कर सकते हो। समझने के लिए बस इतना तुम्हें याद रखना है कि ये कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे वायर, स्विच, की, बैटरी और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे बल्ब, फैन, ये सारी चीजें कनेक्टेड होती है। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। दो डायग्राम दिए गए हैं, दोनों इलेक्ट्रिक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों डायग्राम में देख लिया होगा तुमने, सेल लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, वायर है और एक की लगा हुआ है। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है, उसको हम डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। मतलब अब जो बल्ब एक्चुअल में दिख रहा था, बल्ब नहीं दिखेगा, हम बल्ब के प्लेस पे एक डायग्राम सिंपल सा बना देंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, जिससे हमें बस पता चले कि यहाँ पे बल्ब लगा हुआ था। इसी तरह से बैटरी के प्लेस पे बैटरी का सिंबल बना देंगे, जिससे हमें ये पता चले कि यहाँ पे बैटरी किस पोजीशन में कनेक्टेड थी, प्लस किससे कनेक्टेड था, माइनस किससे कनेक्टेड। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है डायग्राम के थ्रू किसका? इलेक्ट्रिक सर्किट का, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। अब इसका डेफिनेशन देखो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम का। अ डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाई यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल ऑफ द कंपोनेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। हम उसको इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बोलते हैं। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम तुम्हारे पास डायग्राम में यहाँ बना हुआ है, जिसमें अमीटर कनेक्टेड है, बैटरी है, की है, रेजिस्टेंस है और उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा हुआ है, जिससे हम बाकी सारे वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस कितना है, वोल्ट कितना है, वोल्टेज कितना है, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि तुम्हें अभी बताया कि इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में हम क्या करते हैं कि जो कंपोनेंट हमने लगाए हैं उसके प्लेस पे हम एक डायग्राम के थ्रू सिंबल उसका बनाते हैं। तो किस कंपोनेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा ये हमने डिफाइन किया, ठीक है। जैसे पहले डायग्राम में तुम्हें दिख रहा होगा सेल का, इस तरह से हम इसको दिखाएंगे, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा। बैटरी क्या होता है? सेल के कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, कई सारे सेल लगा करके बैटरी बनती है। तो कई सारे सेल एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी बन जाएगी। ये सिंपल कनेक्टिंग वायर दिखा रहा तुम्हें। इसके बाद अगर दो वायर ऐड होंगे तो ये डी वाले डायग्राम से दिख रहा है तुम्हें। फिर ई वाले में देखो, अगर कोई दो वायर है क्रॉस कर रहे, मतलब एक वायर ऐसे लगा दूसरा ऐसे जा रहा है, इसको टच नहीं कर रहा है, इसमें कनेक्टेड नहीं है, तो हम इसको इस तरह से दिखाएंगे, ऑप्शन ई में देखो, ठीक है। फिर क्या है? फिक्स्ड रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो हम उसको इस वाले डायग्राम से दिखाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सके। मतलब 5 ओम की तरह यूज करना हो तो 5 का काम करे, 100 ओम की तरह यूज करना हो तो 100 का काम करे, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, या उसको रिहोस्टेट भी बोलते हैं। इसके बाद देखो फिर आता है अमीटर। तो अमीटर इस तरह से बीच में सर्कल बना करके ए लिखा होगा, सेम ऐसे वोल्ट मीटर का है। और ये गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि ये करंट डिटेक्ट करता है कि किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका काम बस इतना होता है। बहुत माइनर करंट भी होगा तो उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। ये ओपन सर्किट या स्विच या प्लग जो ओपन होगा, मतलब वहां से करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। और ये क्लोज का सिंबल है, देखो टच कर दिया, इसमें ये वाला की हमने अंदर लगा दिया तो ये क्लोज हो गया। बल्ब के लिए ये वाला सिंबल बनाया गया, ऐसे भी दिखाते हैं इसको, ठीक है, या फिर इस तरह से दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाने के लिए ये सारे सिंबल्स हैं, नोटेशंस हैं जो हमें यूज करने हैं, ठीक है। अब तुम्हें एक पॉइंट और बताया भी मैंने, बैटरी जो होता है वो कई सारे सेल का कॉम्बिनेशन होता है। और दूसरा पॉइंट क्या? जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसको हम रिहोस्टेट भी बोल सकते हैं।